हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रियांशी एंड वेलकम टू द कॉमर्स स्टडी पॉइंट। डिस्कस करेंगे सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में। देखिए, सीआरपीएफ की अगर मैं आपको फुल फॉर्म बताऊं तो वो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इन्होंने अभी कुछ रिक्रूटमेंट निकाली हैं, कुछ जॉब वैकेंसीज निकाली हैं। जो ये जॉब वैकेंसीज आपकी रहने वाली है, पूरा जो प्रोसेस रहने वाला है वो पूरा ऑफलाइन बेस पर रहेगा। ओके, मतलब आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड तो करना है, बट उसे फिल करके आपको इसको भेजना है उनके बताए हुए एड्रेस पर। सारा काम यहाँ पर ऑनलाइन नहीं होगा, मतलब जैसे बाकी जॉब्स में आप देखते हो ऑनलाइन आपके एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह हो जाते हैं पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। आपको इसके लिए मतलब अपनी ऑफलाइन ही जो उन्होंने एड्रेस बोला है वहाँ पर जाकर आपको इसका फॉर्म सेंड करना पड़ेगा। ओके, तो सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ, तो आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन देख कर जाना, क्योंकि अगर आप लोग आधी इन्फॉर्मेशन के साथ काम को करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी, या जो चीज़ आप सोचोगे वो चीज़ शायद कुछ गलत हो जाए, आपको नहीं समझ आए। ठीक है, तो अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हो, पूरी चीज़ें जानना चाहते हो, तभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अदरवाइज़ अगर आपको ऐसे ही देखना है, आपको लगता है कि आधी वीडियो देखकर आप समझ जाओगे, तो आप लोग बिल्कुल अभी भी वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं। ठीक है, तो खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज निकली हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पर निकली हैं, है ना। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किसी के लिए 10th है और किसी के लिए यहाँ पर, किसी के लिए तो यहाँ पर आपको 10th बेसिस पर ले लेंगे और किसी बेसिस में आपको यहाँ पर 12th की ज़रूरत होगी। तो मतलब बेसिकली 10th और 12th अगर आपने करी हुई है तो आप लोग इनमें से बहुत सी जॉब पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, तो आप लोग डिटेल में इस चीज़ पर ध्यान दें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको इसकी बता देती हूँ सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डेट्स वगैरह के बारे में। देखिए, जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है, जो इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, 20 जुलाई से आपको इसके एप्लीकेशन फॉर्म देखने के लिए मिल जाएंगे। जो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है वो रहेगी 31 अगस्त, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म में अभी थोड़ा सा टाइम है, बट यस, आपको अभी से मैंने इसलिए बता दिया है ताकि आप इस चीज़ पर ध्यान रख सकें, आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें और आगे वेट करें। इसके जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं आप लोग उसको फिल कर देना। ठीक है, तो एप्लीकेशन आपकी 20 से स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 31 अगस्त तक आप यहाँ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट जो आपकी यहाँ पर रहेगी वो रहेगी 20 दिसंबर, यानी कि 20 दिसंबर में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा और एडमिट कार्ड भी आपके दिसंबर में ही आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जो उनकी तरफ से अभी फ़िलहाल नोटिफिकेशन आया है। मैं यहाँ पर उसकी तरफ से आपको बता रही हूँ, उस बेसिस में यहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। ओके, एप्लीकेशन फ़ीस जो यहाँ पर रहने वाली है आप लोगों की, देखिए इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए यहाँ पर आपकी फ़ीस रहेगी 200 रुपीज़। ठीक है, और जितनी भी अदर पोस्ट हैं उसके लिए आपकी रहेगी यहाँ पर फ़ीस 100 रुपीज़। SC ST कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर कोई भी फ़ीस नहीं है, फ्री में वो लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और साथ ही जितनी भी कैटेगरीज की फ़ीमेल हैं, मतलब फ़ीमेल्स किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हूँ, उनके लिए भी फॉर्म एकदम फ्री है, वो लोग इसे फिल कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो जॉब पोस्ट जो निकली हैं वो बोथ मेल्स एंड फीमेल्स दोनों के लिए ही यहाँ पर निकली हैं। ओके, जो आपका पेमेंट मोड रहेगा वो, उसके लिए आपको मतलब एक DD बनवाना पड़ेगा, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट आपको वहाँ पर बनवाना पड़ेगा। किसके फेवर में, यहाँ पर एक आपको पूरा एड्रेस दिख रहा होगा, DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, पेबल एट SBI बंग रसिया। तो मतलब ये पूरा एक एड्रेस है जिसके फेवर में आपको एक डिमांड ड्राफ्ट तैयार कर लेना है और पोस्ट करना है इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स के थ्रू। ठीक है, तो ये तो रही डेट्स के बारे में बात और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात, साथ में आपको पेमेंट किस तरह से करनी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब वैकेंसीज डिटेल जान लेते हैं। देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर है वो है 789। ओके, 789 यहाँ पर आपकी टोटल वैकेंसीज हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहली जो रहेगी वो है आपकी कांस्टेबल, यानी कि सफाई कर्मचारी के लिए। यहाँ पर आपकी 121 पोस्ट हैं, जिसके लिए जो एज लिमिट है वो है 18 से 23 इयर्स के बीच के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो रहेगी, क्लास 10th आपने की हुई हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, साथ ही आपको नॉलेज हो रीडिंग राइटिंग की, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में। सेकेंड जो पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है सब इंस्पेक्टर की, यानी कि स्टाफ नर्स। यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है 175। जितने भी लोग 30 से कम के हैं, यानी कि 30 ईयर्स से कम के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है, आपके 12th होना चाहिए, आपने 12th किया हुआ हो, साथ में आपने डिप्लोमा किया हुआ हो नर्सिंग में, है ना, और काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन हुआ हुआ हो। तो ये अगर चीज़ें आपकी हैं तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो आपकी रहने वाली है वो है कॉन्स्टेबल कुक के लिए। यहाँ पर जो आपके टोटल पोस्ट हैं वो हैं 116, 18 ईयर्स से लेके 23
23 ईयर्स तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपके यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो वही है कि 10th आपने की हुई हो और साथ ही आपको एक साल का कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर होना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट पोस्ट जो आपकी निकली है वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ओके, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर आपकी पोस्ट है। यहाँ पर आपको जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज देखने के लिए मिलेंगी वो मिलेंगी 84। ओके, जो आपकी एज लिमिट है वो 20 से 25 ईयर्स तक के लोग यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी 20 से 25 के बीच में बिलोंग करते हैं। और जो आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, आपने 12th किया हुआ हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, साथ में आपने फार्मेसी में डिप्लोमा ले रखा है अगर, तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं आगे, और भी बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, नेक्स्ट है आपकी हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल में क्या है कि आपकी जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज रहने वाली हैं ये जूनियर एक्सरे असिस्टेंट के लिए है पोस्ट। यहाँ पर आपकी 84 वैकेंसीज रहने वाली हैं, 20 से 25 के बीच के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th आपने किया हुआ हो, 10th में जब आपने किया था तो साइंस होनी चाहिए, होती है नॉर्मली तो, बट अगर नहीं है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनके पास भी साइंस थी 10th में वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो डायग्नोसिस में, अगर आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के लिए जो यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो 88 हैं। जो आपका यहाँ पर वो है एज लिमिट है तो वो 18 से 25 के बीच के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने 12th किया हुआ हो साइंस से अगर आपने 12th की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आपके पास एक डिप्लोमा भी होना चाहिए किसमें, फिजिशियोथेरेपिस्ट में आपके पास डिप्लोमा हो और साथ ही आपने 12th किया हुआ हो साइंस से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर देना। नेक्स्ट जो पोस्ट है यहाँ पर वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो है 64 और 20 से 25 ईयर्स तक के बीच के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो है कि आप लोगों ने 10th किया हुआ हो, वही कि आपके पास साइंस हो 10th में, और साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए लेबोरेटरी टेक्नीशियन। यानी कि जितनी भी पोस्ट आई हैं मोस्टली उसमें ये लोग मांग रहे हैं कि आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड डिप्लोमा भी होना चाहिए। ओके, देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ और भी आई हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है यहाँ पर केवल एक है। यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो 20 to 25 है। 10th आपने किया हुआ हो और साथ में आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन में। नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है वो है हेड कांस्टेबल। यहाँ पर आपकी 3 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं और 18 से 25 ईयर्स तक के बीच के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ज़रूरी है कि आपने 12th किया हुआ हो और साथ में आपके पास डिप्लोमा हो नर्सिंग में और आपने रजिस्टर किया हुआ काउंसिल में। नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो है हेड कांस्टेबल यानी कि डायलिसिस टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर रखी गई है। 8 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ यहाँ पर आपकी हैं और साथ में जो नंबर ऑफ़ ईयर्स है मतलब एज लिमिट है वो 18 से 25 ईयर्स तक के बीच की है। और जो आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आपने 12th किया हुआ हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए डायलिसिस टेक्नीशियन में। अगर ये चीज़ आपके पास है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट जो आपकी रहेगी वो है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन की। यहाँ पर जो आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो है 4, 20 से 25 ईयर्स तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने 10th किया हुआ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे। साथ में आपके पास 2 ईयर्स ऑफ डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स आपने किया हुआ हो, 2 साल का डेंटल हाइजीनिस्ट कोर्स अगर आपने किया हुआ है 10th के साथ तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस हैं पोस्ट के अकॉर्डिंगली। ओके, आगे देख लेते हैं आगे कौन सी पोस्ट है। देखिए, नेक्स्ट जो आपकी रहने वाली है वो है हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए। यहाँ पर ये तो मैंने शायद आप लोगों को ये आगे की है। यहाँ पर जो आपको नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है वो 5 हैं, 20 to 25 ईयर्स तक के लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे। क्लास 10th आपने यहाँ पर की हुई हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, साथ में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए लेबोरेटरी असिस्टेंट में। नेक्स्ट है आपकी हेड कांस्टेबल। यहाँ पर आपकी 1 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, 20 to 25 ईयर्स तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही आपने यहाँ पर 10th किया हुआ हो और 10th के साथ यहाँ पर आपका डिप्लोमा होना ज़रूरी है, या तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या फिर पॉलीटेक्निक डिप्लोमा यहाँ पर आपके पास होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपकी हेड कांस्टेबल स्टीवर्ड में। यहाँ पर जो आपके नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं वो है 3, 18 से 23 ईयर्स के बीच के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आपने यहाँ पर 10th किया हुआ हो, साथ ही आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फूड बेवरेज में, अगर आपके पास वो है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपकी कांस्टेबल मसाला ची। इसमें क्या है कि आपके भी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 4 हैं, एज लिमिट आपकी 18 to 23 ईयर्स है, आपने यहाँ पर 10th किया हुआ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए। ओके,
नेक्स्ट पोस्ट जो आपकी रहेगी वो रहेगी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये आपकी जो रहेगी फिजिशियोथेरेपिस्ट की रहेगी। यहाँ पर आपकी 5 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज हैं, 20 to 25 ईयर्स के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th आपने यहाँ पर किया हुआ हो साइंस साइड से तभी आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। साथ में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या डिग्री होनी चाहिए कि इसमें फिजिशियोथेरेपिस्ट में, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपकी सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की जो यहाँ पर पोस्ट निकली है वो निकली है रेडियोग्राफर की, उसमें पोस्ट में यहाँ पर आपकी 8 वैकेंसीज हैं, 30 ईयर्स से बिलो के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए 12th आपने किया हुआ हो और साथ में आपका डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो डायग्नोसिस में, अगर आपके पास डिप्लोमा है इस चीज़ का तो आप इसके लिए अप्लाई कर देना। नेक्स्ट है आपकी कॉन्स्टेबल, ये वॉशरमैन के लिए है, यहाँ पर आपके लिए 5 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है, 18 to 23 ईयर्स तक की यहाँ पर आपको एज लिमिट है, क्लास 10th आपने की हुई हो, साथ में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो आपकी है वो है कांस्टेबल की, तो यहाँ पर आपकी 3 वैकेंसीज निकली हैं, 18 to 23 ईयर्स तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th आपने यहाँ पर किया हुआ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर देंगे। तो ये एक सिंगल एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पर आपको कोई भी डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने केवल 10th किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल कांस्टेबल की ये पोस्ट रहेगी 18 to 23 ईयर्स, है ना। देखिए आगे देख लेते हैं, कॉन्स्टेबल टेबल बॉय, यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज 1 है और 18 to 23 ईयर्स के लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे, क्लास 10th आपने की हुई हो, साथ में आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट है हेड कॉन्स्टेबल, यहाँ पर आपकी 3 है नंबर ऑफ़ वैकेंसीज, 18 to 25 ईयर्स के बीच के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे, साथ में आपने 12th की हुई हो, वो भी PCB स्ट्रीम में। यहाँ पर इन्होंने क्लियर बोला है मतलब आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री अगर बायो थी तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, साथ में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए या फिर कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए 1 ईयर का, किसमें वेटरिनरी। अगर आपने इसके लिए बिल्कुल भी मतलब कोई डिप्लोमा या कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके पास लाइफ स्टॉक में या थेराप्यूटिक में अगर कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट या डिग्री है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपके यहाँ पर पोस्ट रहने वाली है वो रहने वाली है हेड कॉन्स्टेबल लेबर लैब टेक्नीशियन, यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपकी 1 है और 18 to 25 ईयर्स तक के लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th आपने यहाँ पर की हुई हो वो भी PCB स्ट्रीम से जैसे कि पहले था तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, साथ में आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट होना चाहिए सेम वेटरिनरी लैब में या फिर वेटरिनरी लैब टेक्नीशियन में, और साथ ही आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 साल का तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट आपकी पोस्ट आने वाली है वो रहेगी हेड कॉन्स्टेबल, ये आपकी रेडियोग्राफर के लिए रहेगी, यहाँ पर नंबर ऑफ़ वैकेंसीज आपकी 1 है, 18 to 25 ईयर्स तक के लिए आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10th और 12th यानी कि मतलब वही कि आपने 12th की हुई हो PCB से तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। सेम यहाँ पर वही है कि आपके पास सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए वेटरिनरी रेडियोग्राफी में तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट पोस्ट जो आपकी रहेगी वो रहेगी इंस्पेक्टर डाइटिशियन की, यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसी केवल 1 है, जो आपकी एज लिमिट है वो बिलो 30 है, मतलब 30 से कम के लोग इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने क्वालिफिकेशन में BSc किया हुआ हो, होम साइंस किया हुआ हो या होम इकोनॉमिक्स से BSc किया हुआ हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, मतलब BSc या तो आपने होम साइंस में या फिर आपने होम इकोनॉमिक्स में किया हुआ हो, साथ में आपके पास मतलब न्यूट्रिशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में, जो आपके पास सब्जेक्ट है उसमें एक सब्जेक्ट आपका न्यूट्रिशन भी होना चाहिए तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ओके, अब देखिए कुछ फिजिकल एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर इन्होंने बताई हुई है जैसे कि आप यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, मेल के लिए हैं कुछ यहाँ फीमेल्स के लिए हैं, जैसे कि हाइट आप देख पा रहे हो 170 cm फीमेल के 157 cm, रेस वगैरह का इन्होंने कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया रखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे। लॉन्ग जंप के लिए इन्होंने बोला है कि 10 feet आपकी होनी चाहिए फीमेल के लिए, 6 feet हाई जंप इन्होंने बोला है 3 feet और फीमेल्स के लिए 2.5 feet। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं। एग्ज़ाम सेंटर भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है, जो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर रहने वाला है वो रहने वाला है न्यू दिल्ली, प्रयागराज, हैदराबाद, गुवाहाटी, जम्मू, अजमेर, नागपुर, मुजफ्फरपुर और पलीपुरम, यानी कि ये कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जो आपके रहने वाले हैं, इनमें से एक आपको सेलेक्ट कर लेना है अपने लिए, जो भी आपको अपने कंफर्टेबल के अकॉर्डिंग ठीक लगता है आप उस अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना एग्ज़ाम सेंटर चॉइस कर सकते हैं। और जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है ये उन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है DIGP ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल विलेज बंग रसिया तालुक हुजूर है और डिस्टिंक्ट भोपाल और MP462045 ये वहाँ का पिन कोड है, तो आप इस अकॉर्डिंगली यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सेंड कर दीजिएगा। जो इसकी सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं या अगर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो आपके इंपॉर्टेंट यहाँ पर सारे
लिंक्स रहने वाले हैं वो आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से जा कर के उस लिंक को चेक कर लेना और लिंक के अकॉर्डिंगली आप वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक मैं आपको दूंगी, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं आपको दे दूंगी नीचे, तो सारी चीज़ें आप एक बार जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक करना चाहो तो बिल्कुल आप कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आपके काम का रहा, किसी भी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं क्या जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या कोई आपकी क्वेरी रह गई हो, कोई डाउट हो तो भी कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए है, बिल्कुल उसमें कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए। वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है, मेरा और मन करता है कि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोज़ लेकर आऊँ, क्योंकि अगर आप लोग लाइक कर देते हैं तो उससे लगता है कि हाँ वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है और आप इस तरह के जॉब अपडेट्स रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं। तो अगर आप और वीडियोस इस चीज़ से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ में वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि और भी मतलब अच्छी अच्छी वीडियोस आपको देखने के लिए मिल जाएं। इस चैनल पर आपको बहुत सी वीडियोस देखने के लिए मिल जाती हैं, चाहे वो ऑनलाइन अर्निंग हो, जॉब अपडेट्स हो, करियर गाइडेंस हो, बहुत सी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। तो अगर आप लोग बिल्कुल इन चीज़ों को जानना चाहते हैं, इन चीज़ों के ऊपर वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।